वन अ वेरी वॉम वेलकम यू ऑल्सो टूडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ सेंटेंसेज इसमें आपको सेंटेंस के टाइप दिए जाएंगे और आपको कन्वर्ट करना रहेगा सो so, हम देखने वाले हैं डी एस एस बी के वी एस एन वी एस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में फुल कवर so, लास्ट तक जरूर देखिएगा सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है इसमें चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इन टू दिया हुआ है ही वाज एल बट ही कम टू वर्क अब इसको अगर हमें सिंबल में कन्वर्ट करना है तो हमें बट को हटाना होगा तो बट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इंस्पाइट का यूज करेंगे इंस्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही कम टू वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हु इज ही इसमें पूछा है कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है इसमें तो अगर ही और क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये कौन सा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस देयर आर अ वाइड वेराइटी नियर माई हाउस देयर आर ओनली वन वेराइटी दोनों गलत है देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ सोप नियर माई हाउस दिस इज द राइट देयर इज अ वेराइटी ऑफ सोप नियर माई हाउस दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे बताइए कौन सा इसमें से ग्रामेटिकली रॉन्ग है ही कैरी लिटिल मीनू एंड आई ऑन हि शोल्डर तो आई के जगह पे क्या होगा मी होगा तो so, यही इनकरेक्ट है तो so, यही सही है नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है आई हैल नॉट बियर द्रबल रनिंग डाउन द स्ट्रीट द काक स्टक टेन ही लॉस नॉट ओनली हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज तो ये सही है इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट दी गई हैं नॉट ओनली बट आल्सो दोनों का यूज किया गया है जो कि कंजक्शन है अब इसमें आपको जो दिया गया है सेंटेंस को कंप्लीट करना है इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर ही सक्सीड होप टू ही टू सक्सीज ही होप्स ही होप्स टू सक्सीड सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आई थॉट आई सुड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू तो ऑप्शन जो सी है वो सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि कौन सा आइडेंटिफाई करना है ठीक है कॉम्पाउंड है सिम्पल ये कॉम्प्लेक्स है वेन एवर इट रेन आई फील अ क्रेविंग फॉर अ हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स तो इसमें आपको क्या लग रहा तो है तो ये है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैसे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें कंबाइंड होते हैं वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक एटलीस्ट डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए तभी वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है व्हेन एवर इट ट्रैन आई फील अ क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई लिसन टू द सॉन्ग एंड फेल्ट नो ठीक है तो इसमें कौन सा है एंड लगा हुआ है ना तो एंड इसमें कौन सा है ये कंपाउंड सेंटेंस है देखो कुछ सिंपल सा जैसे एंड लगा हो नॉर लगा हो बट लगा हो तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द गिवन सेंटेंस अराइविंग लेट द सो हैड ऑलरेडी विगन तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा अराइविंग लेट ही फाउंड दैट द सो हैड ऑलरेडी विगन ठीक है तो ये इसका सही होगा इसमें, इसमें आपको क्या करना है ग्रामेटिकली करेंस आपको खोजना है माई ब्रदर हैड लेव फॉर जर्मनी लास्ट वीक माई ब्रदर हैज़ बीन तो हैज बीन भी नहीं होगा हैड भी नहीं होगा ये सर पास्ट इनडिफिनेट का सेंटेंस होना चाहिए ठीक है तो ये सही होगा माई ब्रदर लेफ्ट फॉर जनवरी लास्ट वीक